हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। और नोमेनक्लेचर में सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में आप डिस्कस करेंगे सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है आईयूपीएससी की फुल फॉर्म। कि आईपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो अपन कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले अपन आईपीएससी में देखेंगे रूल्स को, कि किस तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है वो दे सकते हैं। देखिएगा रूल, इसमें रूल्स में सबसे पहले आता है रूल नंबर फर्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन रूल, या अपन कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्शन। ठीक है, देखिएगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि एक कार्बन की मैक्सिमम कार्बन नंबर्स की जो चेन है उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहेंगे, जिसे पेरेंट चेन कहा गया, और पेरेंट चेन में जो इंक्लूड नहीं हो रही उसे ब्रांच चेन या साइड चेन या आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, देखिएगा इसमें एग्जांपल दे रखा है कि यहां पर यहां से यहां तक की जो है वो क्या आ गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। इसके बाद जो साइड चेन है उसको आपने क्या कह दिया, सब्स्टिट्यूएंट कह दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन बात करते हैं पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन किसे कह रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसको। क्लियर? यहां पर देखिएगा ये भी क्या आ रहे हैं, साइड चेन में आ रहे हैं, और इनको भी क्या कहा जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नोट दिया जाता है यहां पर कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, तो देखिएगा इसमें एक ये चेन सेलेक्ट किया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की। ओके, इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये वाली चेन सेलेक्ट की अपन ने। ओके, इसमें देखिएगा कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की। तो लॉन्गेस्ट कौन सी चेन हो गई इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ये वाली तो हो गई आपके 7 कार्बन की और ये हो गई 9 कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, 9 कार्बन की, तो अपन कह सकते हैं ये क्या हो गई, रॉन्ग चेन। और राइट चेन कौन सी हो गई, ये वाली। ओके, ये वाली आपके राइट चेन हो गई। क्लियर? तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंट हो। तो अपन कह सकते हैं इट मे बी नोटेड दैट द लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस जो लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट ही हो, वो जिगजैग भी हो सकती है। लाइक ये देखिएगा इसमें इस तरीके से, बट ये कंटिन्यूअस है, कार्बन चेन मैक्सिमम मिल रहा है यहां। ओके, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 2, लोवेस्ट नंबर रूल में क्या आ जाता है, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन एज 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स द लोवेस्ट पोजिशन नंबर या पॉसिबल नंबर टू द कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, कि उस डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलता हो।
देखिएगा, एक स्ट्रक्चर ये है आपके और दूसरी स्ट्रक्चर ये है, दोनों स्ट्रक्चर सेम कंपाउंड की है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। अब इसमें नंबरिंग दी आपने यहां से 1 2 3 4 5, ओके। दूसरी स्ट्रक्चर में ये वाली चेन स्ट्रेच चेन आपने मेन चेन पेरेंटल चेन मान ली, तो नंबरिंग दी यहां से 1 2 3 4 5, ओके। अब आपको बताना है कि इसमें नंबरिंग ऑर्डर कौन सा सही रहेगा। देखिएगा, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में 1 2 पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा रहेगा इसमें। दोनों में कार्बन 5 है, ओके, सेम कार्बन है, ये रॉन्ग चेन हो जाएगी, नंबरिंग की जो है वो रॉन्ग नंबरिंग होगा, क्योंकि मिनिमम नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है मैक्सिमम, और यहां पर मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट नंबरिंग ये हो गया। क्लियर, ऊपर वाली स्ट्रक्चर में, इस वाली स्ट्रक्चर में करेक्ट नंबरिंग शो की गई है और इसमें रॉन्ग नंबरिंग शो की गई है। क्लियर, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, करेक्ट नंबरिंग वाली स्ट्रक्चर। रूल नंबर थर्ड, ये देखिएगा स्ट्रक्चर है आपके सामने, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब यहां पर एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई और दूसरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, तो अब इन दोनों में कौन सी चेन को आप प्रेफरेंस देंगे, कौन सी को चूज करेंगे, तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि क्या बात आएगी, दोनों में कार्बन की जो चेन है वो सेम ले ली गई है, बट करेक्ट चेन कौन सी होगी। इसमें देखिएगा, यहां पर ये किया गया है आपके सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इथाइल, और ये है आइसोप्रोपाइल, ओके। तो आप यहां कह सकते हैं कि इसमें इस चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और इसमें वन, तो विथ टू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और विथ वन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो चेन होगी वो करेक्ट चेन सिलेक्शन होगा और ये रॉन्ग चेन सिलेक्शन होगा। If the chain of equal length are possible, select the one with the larger number of side chains. ठीक है कि उसको select करते हैं जिसमें side chain क्या हो, ज़्यादा हो, numbers of maximum, numbers of side chain maximum हो, okay? Next देखिएगा, rule number 4. If the same substituent or side chain occurs more than once, the prefix di 4-2, tri 4-3, tetra 4-4, penta 4-5, etc. are attached to the names of the substituents. Okay? Like, देखिएगा ये structure है, numbering दी गई 1-2-3-4, दो substituent हैं. तो 2-3 डाई दो गए ना, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें सेम क्या आ गया, दो मेथिल ग्रुप आ गए, 1-2-3-4-5-6, 1-2, ओके, क्या आ जाएगा 3-3, और फिर नंबरिंग इधर से आ रहा है तो 4-4, तो कौन सा नंबरिंग ऑर्डर प्रेफरेंस करेंगे आप, 3-3 is equal to 6, 4-4 is equal to 8, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, 6 हो रहा है, तो करेक्ट जो नंबरिंग है वो कौन सी हो जाएगी आपके, ये वाली, ओके। तो ये रॉन्ग नंबरिंग हो गई, क्लियर। इसका नेम क्या हो जाएगा, 3-3 डाइथाइल हेक्सेन, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रक्चर, ओके, 2-5-5, 1-2-3-4-5-6, ओके। यहां पर देखिएगा एक डायरेक्शन ये है नंबरिंग की और दूसरी डायरेक्शन ये है, ये दोनों में से कौन सी डायरेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। देखो इसमें मिनिमम, इसको आप कह सकते हैं लॉकेंट रूल, क्या कह सकते हैं, लॉकेंट रूल, लॉकेंट नंबर रूल, ओके।
यहां पर देखिएगा टू 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 नंबर पे है, और फिर यहां पर सेकंड जो है वो फाइव नंबर पे है, ठीक है। तो देखो टू टू फाइव नाइन हो गया, और नेक्स्ट जो है वो टू फाइव फाइव ट्वेल्व हो गया। तो मिनिमम कौन सा मिला, लोवेस्ट यही तो मिला, लोवेस्ट मिला आपके इसमें नाइन, क्लियर। तो करेक्ट तो ये होगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया, और ये है आपके करेक्ट, क्लियर। नेम हो जाएगा टू टू फाइव ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर फाइव, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर लोकेटेड एट इक्विवेलेंट पोजिशन फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन, देन द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन सच ए वे दैट द एल्काइल ग्रुप विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर, ओके। तो अब अपन यहां पर क्या बात करेंगे कि दोनों डायरेक्शन से इक्विवेलेंट पोजीशन के कार्बन पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे, जहां से अल्फाबेट वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर नंबर मिले। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, अब इसमें एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों ही सेम नंबर के कार्बन पे आ गए। उस कंडीशन में क्या करते हैं, कौन से साइड से डायरेक्शन लेंगे नंबरिंग की। तो देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फर्स्ट हो गया आपके फोर इथाइल थ्री मिथाइल हेक्सेन, और दूसरी डायरेक्शन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दूसरी डायरेक्शन से क्या मिल रहा है आपको, थ्री नंबर पे इथाइल मिल रहा है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थ्री इथाइल फोर मिथाइल हेक्सेन, क्लियर। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, ये देखिएगा ये करेक्ट हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इथाइल ये डायरेक्शन सेलेक्ट की जाएगी ना कि ये, क्लियर। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी, जो सेलेक्टिव लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है आपके एल्काइल ग्रुप्स, क्या आ जाता है, एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग, एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग को अपन देखेंगे। यहां देखिएगा ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, बट ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो अपन क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिएगा इसकी नंबरिंग कर दी, फिर क्या करते हैं, अगेन जो कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है उसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा इसमें वन टू थ्री, ओके, तो ऑक्टेन आठ कार्बन का हो गया, फिर देखिएगा टू थ्री सिक्स ट्राई मिथाइल, फिर ब्रैकेट में कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है कॉम्प्लेक्स, फोर नंबर के कार्बन से, तो इसको लिखा जाएगा छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल कोष्ठक में, स्मॉल ब्रैकेट में वन मिथाइल, ये वन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, फिर वन टू थ्री है प्रोपाइल, तो कंप्लीट नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, टू टू सिक्स ट्राई मिथाइल फोर वन मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन, क्लियर। और यहां पर एक बात और आ जाती है कि बेसिकली जब भी इनकी नेमिंग की जाती है तो साइड चेन में यदि लार्ज या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या लार्ज एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो उसको रेडिकल बनाते हैं। रेडिकल का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप जहां से फ्री वैलेंसी हो रही है ऑलवेज वहीं से नंबरिंग करते हैं, जैसे यहां की गई है ना, देखो वन टू थ्री, ओके, और इसकी नेमिंग
कर दी गई। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अभी इसको देखिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें यहां से, ओके ये क्या हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें देखो 1, 2 और 3 तीन सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्लियर। इसमें देखो दो टाइप से इसकी नेमिंग हो सकती है, एक तो इसको कॉम्प्लेक्स क्या मान लें, एल्काइल ग्रुप मान लें, और स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के फॉर्म में ले लें, ओके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो रही है और इसको रेडिकल मान लें, ठीक है। तो 1, 2, 3 रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे और इधर से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे, दोनों ही डायरेक्शन से 5 नंबरिंग आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ रहा है, ये 5 नंबर पे, अब कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट लिखेंगे 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ओके, और 9 कार्बन है तो नोने, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 इसका नाम हो जाएगा आपके 1-ethyl, 2-methyl cyclopentane। देखो जब भी साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है तो पहले साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है परफिक्स के फॉर्म में, परफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करेंगे अपन, साइक्लो वर्ड, ओके। यहां पर सिंपल बात करें अपन तो ये हो गया 3 कार्बन तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ओके। 4 कार्बन आ गए तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 कार्बन आ गए तो साइक्लो पेंटेन, ओके, और 6 कार्बन आ गए तो साइक्लो हेक्सेन, क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ओके। अब मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की बात करें तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में ये आ गया, पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे जैसे मिथाइल और फिर साइक्लो हेक्सेन लिख देंगे, बाई सब्स्टिट्यूट में या यू आए आपके बाई सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करते हैं जिस डायरेक्शन से अगले सब्स्टिट्यूट को क्या मिल जाए, मिनिमम नंबर मिले, ओके। अगले सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जैसे अपन बात करें नॉर्मली कि कोई कंपाउंड है आपके पास ये, इसमें मिथाइल मिथाइल सेम सब्स्टिट्यूट आ गए तो कहीं से भी किसी भी एक सब्स्टिट्यूट से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। क्या लिख दोगे आप, 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या जाएगा 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बट डिफरेंट आ जाए तो फिर नंबरिंग कहां से करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट में इथाइल पहले आ रहा है मिथाइल बाद में आ रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी और नाम क्या आ जाएगा 1-ethyl, 2-methyl cyclopentane, ओके। और यदि इस तरीके से आ जाए आपके यू, ये कंपाउंड है, अब इसमें इथाइल है और मिथाइल मिथाइल है,
तो अब आपको क्या करना है, लोकेंट पोजिशन रूल या लोकेंट नंबरिंग रूल, जिसे लोकेंट रूल भी कह देते हैं। ओके, तो अब यहां पर क्या आ रहा है, वन टू, और इधर से नंबरिंग करें तो वन टू, तो यहां से नंबरिंग करते हैं तो वन वन और टू, वन वन और टू, ये देखो, और यहां से नंबरिंग करें तो वन टू टू, तो लोवेस्ट कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है ना, देखो यहां पे तो टू मिल गया, या फिर आप ऐड करके भी चेक कर सकते हैं, यहां से कितने आ रहे हैं फोर और यहां से कितने आ रहे हैं फाइव, तो मिनिमम कहां मिल रहा है, यहां पर, इसको लोकेंट रूल कहा जाएगा। तो नंबरिंग कहां से करेक्ट मानी जाएगी, ये वाली वन और ये टू। ओके, बट जब नाम लिखते हैं तो क्या नाम लिखा जाएगा, टू इथाइल वन वन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है क्या। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स, देखो एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप डायरेक्शन डायरेक्ट ले सकते हैं कि जिस साइड से मिनिमम मिले उधर से नंबरिंग कर दें। ओके, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट की बात करें तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो क्या जाएगा, टू क्लोरो ब्यूटेन, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सेम है तो डाई यूज कर लेंगे और सफिक्स लिख देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, नाम हो जाएगा टू फोर डाई ऑन, कितने कार्बन है पांच, तो पेंटेन टू फोर डाई ऑन, यहां देखिएगा एक से ज्यादा इन आ रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन थ्री डाई इन, तो पेंटा, यहां पर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो पेंट प्लस ए प्लस डाई इन, पेंटा डाइन। ओके, तो अपन कह सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा वन थ्री डाइन। ओके, नेक्स्ट प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स, ये देखिएगा सबसे पहले सी डब्लो एक्स सी डब्लो ओ आर सी ओ एन एच टू साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एमिनो ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये एक डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है। वैसे एक पूरी टेबल आती है इसकी टेबुलेटेड फॉर्म में, उसके सफिक्स परफिक्स वो सारे दिए जाते हैं, वो आपने आप एनसीईआरटी में पढ़े ही होंगे, यहाँ डायरेक्ट अपन रिकॉल कर रहे हैं चैप्टर को। तो देखिएगा कंपाउंड है तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी, वन टू थ्री फोर, तो ब्यूट टू इन एल या वन एल भी बोला जा सकता है। स्ट्रक्चर देखिए और नेम, इस कंपाउंड की नेमिंग प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर हो जाता है। तो देखिएगा यहां पर नेमिंग वन टू थ्री, तो नेम क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन वन ओइक एसिड। सेकेंड देखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड पहले आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड से, तो देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट वन इन थ्री आयन, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर वन टू थ्री फोर, क्या आ जाएगा, ब्यूट टू ऑल पहले फिर टू इन और फिर थ्री एमिनो, तो नेम क्या हो जाएगा, थ्री एमिनो ब्यूट टू इन टू ऑल। ओके, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 10 सेकेंड आपके पास, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे फिर नेम करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, तो पेंटेन ओइक एसिड या पेंटेन वन ओइक एसिड और फोर ऑक्सो, यहां पर आप कीटो भी लिख सकते हैं, फोर कीटो। ओके, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड,
प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2, 3, 4 क्या नेम हो जाएगा, ब्यूट, 1-in, 2-ol और 3-methyl, तो नेम हो जाएगा यहां पर 3-methyl ब्यूट 1-in, 2-ol। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आईपीएससी का रिकॉलिंग जो सेशन है वो अपन ने डिस्कस किया एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वे में, क्लियर। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा आप लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।